हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने देख लिया कि रो का डेटा हम कैसे पढ़ सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कॉलम वाइज डेटा हम कैसे रीड कर सकते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले एक फाइल बनाएंगे, रीड कॉलम डॉट पाई, राइट। तो इस बार हमें क्या करना है, कॉलम का डेटा रीड करना है। तो हम पहले एक बार अपनी एक्सेल की तरफ देखें। हमारे पास ये एक्सेल है ऑलरेडी जो मैंने बनाई हुई है विद सम रैंडम डेटा। तो अब हमें इस तरीके से डेटा रीड करना है कॉलम वाइज। ये फर्स्ट कॉलम है मेरा, ये सेकंड कॉलम है, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। इस तरीके से हम डेटा कैसे रीड कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, लेट सपोज मुझे फर्स्ट कॉलम का ही डेटा रीड करना है। तो फर्स्ट कॉलम के डेटा को रीड करने के लिए मुझे रो भी पता होनी चाहिए कि मुझे कहाँ से कहाँ तक का डेटा रीड करना है। मुझे फर्स्ट रो से फर्स्ट फिफ्थ रो तक का डेटा रीड करना है, फोर्थ तक का रीड करना है, टेंथ तक का रीड करना है। तो उस हिसाब से ही मैं अपना कमांड दे पाऊंगा इसके फंक्शन को। ऑलराइट, तो हम चलते हैं वापस अपने कोड के लिए। सबसे पहले हमें करना है फ्रॉम ओपन पाई एक्सेल इम्पोर्ट लोड वर्कबुक, राइट। फिर हम एक वर्कबुक नाम का वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें हमें क्या करना है, लोड वर्कबुक को कॉल करना है और बताना है कि भाई मेरी फाइल कौन सी है। तो मेरी फाइल है अभी टेस्ट डॉट एक्स एल एस एक्स, जो कि मेरी सेम लोकेशन में रखी हुई है जहाँ पे मेरी पाइथन फाइल है, राइट। अब मुझे जो मेरी डिफॉल्ट शीट होने वाली है एक्सेल के अंदर, उसको एक्टिव रखना है। तो मैं डिफॉल्ट के लिए क्या करता हूँ, सबसे पहले शीट वन नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ, वर्कबुक को कॉल करता हूँ। वर्कबुक के अंदर मैं बोलता हूँ भाई मेरी एक्टिव कर दो डिफॉल्ट शीट, ये मेरी डिफॉल्ट शीट मुझे दे देगा। सॉरी, यहाँ पे मुझे कॉमेंट लिखना है, डिफॉल्ट शीट, ठीक है। अब हमें शेल रीड करने के लिए सबसे पहले एक लूप की ज़रूरत होगी, क्योंकि हमें सारे सेल्स को बारी बारी फैच करना है। तो हमें एक लूप की ज़रूरत होगी जिसके लिए मैं फॉर लूप का यूज़ करने वाला हूँ। फिर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ सेल, जिसमें अभी फॉर लूप लगाना किसके ऊपर है, शीट वन के ऊपर, क्योंकि इसके पास ही मेरी सारी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। पिछली बार हमने रो के लिए इटर रोज मेथड यूज किया था, इस बार हम इटर कॉल्स यूज़ करने वाले हैं क्योंकि हम कॉलम पढ़ेंगे। हमने लास्ट टाइम बताया था हमें कहाँ से स्टार्ट करना है रो को, कहाँ किस कॉलम तक का डेटा चाहिए। सिमिलरली इसमें भी हमें यही करना है, बट इस पर हम क्या करते हैं, पहले हम मिन कॉल लिख लेते हैं। इट इज़ नॉट मैंडेटरी, बट आप कीवर्ड आर्ग्यूमेंट है तो आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हो इसको। मैं चाहता हूँ कि मैं मिनिमम कॉलम टू को रीड करूँ, ठीक है। मतलब मुझे केवल कॉलम नंबर टू का डेटा चाहिए, तो मुझे मैक्स कॉल भी टू ही देना पड़ेगा, ठीक। अब मुझे कहाँ से कहाँ तक का डेटा चाहिए, जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया था, जैसे मेरी कॉलम नंबर टू है, तो मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक का डेटा चाहिए, मतलब फर्स्ट रो से लेके फिफ्थ रो तक का डेटा चाहिए। आप आगे तक का भी लिख सकते हैं, नन रिटर्न करेगा, जहाँ भी खाली होगा वहाँ नन रिटर्न करेगा, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। आप अभी रखेंगे मिन रो इक्वल्स टू वन जो स्टार्टिंग है, और मैक्स रो मेरी होने वाली है 6 ले लेते हैं एक बार के लिए, ठीक है। एंड देन एक बार हम प्रिंट करके देखते हैं कि शेल में आने क्या वाला है। जब हम प्रिंट करके देखेंगे इसको, अब देख सकते हैं इसमें फिर से एक टपल रिटर्न कर दी हमें, जहां पे ये बता रहा है कि B1 शेल में रीड कर पा रहा हूँ, B2 रीड कर पा रहा हूँ, B3 रीड कर पा रहा हूँ, जहां से मैंने बताया था इसको कि कौन से कॉलम को रीड करना है और किस रो तक रीड करना है, वो उसने रीड करके दे दिया। अब हमारे पास ये टपल है, शेल तक का हमें एक्सेस मिल गया, तो बस हमें वैल्यू रीड करनी है। तो उसको हम कैसे कर पाएंगे, हमें एक और लूप लगाना पड़ेगा फॉर जो किस पे इटरेट करेगा, इस शेल पर इटरेट करेगा, फॉर कॉल शेल, सॉरी मुझे ऊपर लिखना था, फॉर कॉल शेल, मैं अपना वेरिएबल का नाम देता हूँ इन शेल, राइट। एंड देन मुझे क्या करना है, इसकी वैल्यू प्रिंट करनी है, कॉल शेल डॉट वैल्यू, ठीक है। और रन करने से पहले हम अपनी वर्कबुक को क्लोज भी करेंगे, ऑलवेज रिमेंबर टू क्लोज योर वर्कबुक, ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इंटरप्रेटर को। देन रन करते हैं हम इसको, आप देख सकते हैं यहाँ पे नन
सभ्य नन 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 ये प्रिंट हुआ है। अगर आप यहाँ देखें, हमने 1 से 6 तक प्रिंट किया था, यानी कि हमने यहाँ से यहाँ तक प्रिंट किया था, तो ब्लैंक हमें हमेशा क्या प्रिंट करके देगा? नन। बाकी खाली जगह भी इसने नन 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 प्रिंट करके दिया है, राइट? इसलिए ये डेटा करेक्ट है यहाँ पे। लेट सपोज अब मुझे प्रिंट करना है एक्स कॉल 3, मैं सेकेंड और थर्ड दोनों कॉलम को प्रिंट करना चाहता हूँ, ठीक है? प्रिंट करके देख लेते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 क्रिकेट नन नन नन, तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 क्रिकेट नन नन नन, तो इसने ये प्रिंट करके दे दिया। अब लेट सपोज मुझे केवल ये दोनों ही प्रिंट करने हैं, तो अगर आप यहाँ देखें हमें रो नंबर देना पड़ेगा 2 और 3, तो मेरी मिनिमम रो हमारी यहाँ कितनी हो जानी चाहिए? 2 और 3, और ये डेटा पढ़ के आएगा सेकेंड और थर्ड कॉलम का खाली, यानी कि मुझे ये डेटा मिलने वाला है। हम रन करके देख लेते हैं इसको। अब देख सकते हैं फर्स्ट इटरेशन में इसने ध्वनि और शब्द को रिटर्न करके दिया, एंड देन अगली इटरेशन में 1 2 3 4 और क्रिकेट को प्रिंट करके दिया। तो इस तरीके से आप इस डेटा को रीड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं फर्स्ट रो को भी, सारा डेटा भी प्रिंट करके देख लेते हैं एक बार कि ये फर्स्ट रो में सॉरी फर्स्ट कॉलम में कैसे डेटा प्रिंट करेगा। तो मैं केवल फर्स्ट कॉलम का ही डेटा प्रिंट करने वाला हूँ। मिन कॉल मैक्स कॉल मैंने कर दिया है 1, और मेरी मिनिमम रो कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए? स्टार्टिंग रो मेरी क्या है? 1, तो स्टार्टिंग रो को मैं मेन रो में लिख सकता हूँ, और मैक्सिमम मुझे कहाँ तक चाहिए? जहाँ तक मेरे पास डेटा है रो नंबर 5 तक, तो मैं यहाँ रो नंबर 5 लिखूँगा, और हम इसको कर देंगे रन। आप देख सकते हैं सारा डेटा इसने कॉलम का प्रिंट करके हमें दे दिया है। 1 2 3 4 5 सचिन से स्टार्ट हुआ, शानू पे एंड हुआ, तो ये देखिए सचिन से स्टार्ट हुआ, शानू पे एंड हुआ, सारा डेटा हमारा कॉलम का प्रिंट हो चुका है। सो दिस इज हाउ यू कैन रीड द कॉलम ऑल्सो यूजिंग ओपन बाय एक्सेल। अगर आपको कोई डाउट है प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।